तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब 1971 का वॉर तो सभी को याद ही होगा और लोगों ने बहुत सी जगह पढ़ा भी होगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये खतरनाक वॉर हुई थी जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान से लड़ा था बांग्लादेश को अलग करने के लिए, और इस पे एक आध कॉन्टेंट पहले भी आ चुके हैं। लेकिन भाई साहब जो आज लेके आए हैं हम आपके लिए पिप्पा मूवी, इसमें बहुत ही बारीकी से जो इसका जो मेजर हथियार था जिसकी वजह से ये जंग जीतनी साबित हो पाई थी उस चीज़ के बारे में इसमें बारीकी से दिखाया गया है। टैंक्स वॉर था तो आपको बताऊंगा कि मूवी का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है और ये मूवी आपको कहाँ मिल जाएगी। इजीली मिल जाएगी OTT प्लेटफॉर्म पर, Amazon प्राइम पर। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करना है अगर आपको ये काम पसंद आता है तब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो शेर शाह, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी हमने मूवी तो देखी है जिनका एक्सपीरियंस हमें सबको मालूम है, बहुत ही डीप कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन वाला था। तो भाई साहब इसमें तीसरा नाम एक और जोड़ने वाला है पिप्पा, क्योंकि ये मूवी बहुत सॉलिड है। देखो एयरलिफ्ट तो देखी होगी ना आपने, ये वही डायरेक्टर हैं राजा कृष्णा मेनन जिन्होंने पिप्पा मूवी को भी डायरेक्शन दी है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि एयरलिफ्ट में रेस्क्यू टाइप मिशन था जहाँ से लोगों को बचा के लाना था, और इसमें पाकिस्तान की फाड़ने वाला एक्शन है जिसमें एक नया देश बनाना है। दूसरा, वॉर टाइप मूवी तो बहुत देखी होंगी और पैट्रियोटिज्म में भी मूवी बहुत देखी है और लगातार आती रहती हैं, साल में एक ना एक आध मूवी आ ही जाती है। लेकिन भाई साहब कुछ एक मूवीज होती हैं जो दिल पे राज कर दिए जाती हैं और हमेशा राज कर भी रही हैं, लाइक बॉर्डर, लाइक LOC कारगिल, लाइक उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, लाइक शेर शाह, और एक ये पिप्पा, क्योंकि ये भी दिल पे राज करने वाली है और डेफिनेटली गारंटीड राज करने वाली है। दूसरा, इसमें इतना ज़्यादा अच्छा क्या है, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। देखो जंग वगैरह स्ट्रेटजी प्लानिंग जीतना जातना ये तो सब लगा ही रहता है और ये सब चीज़ों पर ध्यान भी दिया जाता है हर एक मूवी में, लेकिन इसमें हटके ये चीज़ है कि आपको जो एक्स फैक्टर है, जो इस जंग का हुक्म का इक्का था, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया। लाइक जो पिप्पा, पहले तो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ, एक खाली टीन का डब्बा जो पानी में तैर सके। तो यस, इसी से इंस्पायर होकर एक ऐसा टैंक बनाया गया था जो पानी पर भी चल सके और ज़मीन पर भी लड़ सके, मतलब दोनों जगह इस्तेमाल हो सके। लेकिन इसका मेजर एडवांटेज हमें लेना था पानी में जंग लड़ने के लिए, और उस टैंक को पिप्पा का नाम दिया गया था। तो पिप्पा टैंक्स की मदद से हमने इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग थी 1971 में, इन पिप्पा टैंक्स की वजह से वो जंग जीतने में सफल हो पाए थे। दूसरा, इस मूवी में ऑलमोस्ट रियल सीन्स ही दिखाए गए हैं, लाइक टैंक्स जो यूज करे गए हैं वो बिल्कुल रियल हैं, और जो शूटिंग वगैरह की गई है वो भी बिल्कुल रियल है। ऐसा नहीं कि आपको VFX CGI का चूतिया काट के दिखा देंगे चार दीवारी के अंदर, या फिर कोई भी थर्माकोल वगैरह का डब्बा डुब्बी जो भी बना देंगे, सेम एज इट इज जो चीज़ है वही रखने की कोशिश करी। दैट्स वाई कि यहाँ से एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त और नया देखने को मिलेगा। दूसरा, ऑलमोस्ट रियल सीन होंगे, एक बार के लिए आपको ऐसा लगेगा कि यार आप खुद उस टैंक को कंट्रोल कर रहे हैं, उस टैंक के अंदर की जो बहुत ही अच्छी तरीके से, मैं कह रहा हूँ ना, डायरेक्टर ने जो प्रेजेंट करने की कोशिश करी है वो वाकई में दिल से कनेक्ट हुआ है। जो चीज़ वो दिखाना चाहते थे उसमें वो लोग सफल हुए हैं। एक बार के लिए खुद आपको लगे कि यार आप उस टैंक को कंट्रोल कर रहे हैं, आप उस मिशन को लीड कर रहे हैं, क्योंकि आप उस मूवी के, आप उस सीन के, उस मोमेंट के पार्ट बन जाते हैं, इस तरीके से आप एक बार के लिए जुड़ जाएंगे। दूसरा, ईशान खट्टर, एक आर्मी पर्सन का जो डिसिप्लिन होता है, जो एटीट्यूड होता है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसने स्टडी भी करा होगा और उसे मेंटेन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया है। दूसरा, AR रहमान का म्यूजिक और अमेजिंग फाड़ के गया है, जगह जगह पर जो गूजबम्स बहुत ज़्यादा हाई करने हैं, जो इमोशन वहाँ से अटैच करना है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ से खेला है और लोगों से कनेक्ट भी किया है। तो सब बाकी कहानी में यार ऐसा कुछ नहीं कि आपको नया देखने को मिलेगा, वही चीज़ यार हम बहुत पहले भी देख कर आ चुके हैं। बॉलीवुड में ऐसी पैट्रियोटिक मूवी बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं, दैट्स वाई कि हमें एक बार के लिए ये सब रिपीटेड मोड में भी लगेगा। और दूसरा ये कि 1971 का वॉर शायद सभी को पता ही होगा, लगभग में लगभग हमने बहुत जगह पढ़ा भी है और इस पे एक आध कॉन्टेंट आ भी चुके हैं। तीसरा, इस चीज़ का एक और बेस्ट पार्ट आपको बताऊंगा, सैम मानेकशॉ जिस पे एक मूवी आनी है, सैम बहादुर करके, विकी कौशल जिसका रोल प्ले कर रहे हैं, 1 दिसंबर को ये मूवी फट जाएगी। तो भाई वहाँ से जो सैम बहादुर का रोल जो विकी कौशल कर रहे हैं फुल एग्रेसिव मोड में एक नया एटीट्यूड के साथ, तो वो एक पार्ट अगर आपको देखना है उसका, तो इस मूवी में आपको पता चल जाएगा कि भाई
क्या होने वाला है। मतलब जब इस छोटे से पार्ट में वो इतनी तबाही मचा सकते हैं, तो जब उन्हीं पे पूरी मूवी डेडिकेट करके बनाई जाएगी तो वो कितनी तबाही मचा देगी। तो भाई दैट्स माय रिव्यू फॉर पीपा, और मूवी सॉलिड है, अमेजिंग है, गारंटीड आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन कहानी से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, एक नई चीज़ आपको एक्सपीरियंस करनी है, टैंक वाली चीज़, तो वो आपको फाड़ के मिलने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।